के आंखों में आंसू आ जाए तो आता हूँ तो क्या आना पड़ता है। उदयपुर के मावली के लोपड़ा गांव आज किस वजह से जाना जा रहा है ये हमें शायद बताने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहते कि उस जघन्य हत्याकांड का नाम बार बार लिया जाए, नहीं चाहते कि उस परिवार के जख्म को बार बार कुरेद कर हरा किया जाए। लेकिन अगर कलम नहीं बोली तो कहीं इंसाफ मिलने में देरी ना हो जाए। लेकिन इस बार हमारी कलम भी कहीं ना कहीं आश्वस्त है। अनिल के परिवार से मिलने और पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए सीबीसी न्यूज की टीम लोपड़ा पहुंची तो एक बात जो सबकी जुबां पर थी वो थी खाकी की तारीफ। अमूमन इस तरह के केसेस में देखा जाता है कि पीड़ित या उनके साथ न्याय मांगने वाले हमेशा पुलिस पर ही आरोप मढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि पुलिस ने ढिलाई बरती, पुलिस सोती रही, पुलिस के कान पर जू नहीं रेंगी, पुलिस निकम्मी है और भी जाने क्या क्या। लेकिन यहाँ एक और हकीकत से हम रूबरू हुए और वो थी मावली पुलिस की मुस्तैदी। जैसे ही दिन भर ढूंढने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, सीआई अजय सिंह के नेतृत्व में टीम ने पूरी ताकत झोंक दी और मामले का पटाक्षेप बहुत जल्द कर दिया गया। कांस्टेबल हरिओम की भूमिका भी सकारात्मक रूप से सामने आई। पूरा गांव पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहा था। फिर भी हम यही सोच रहे थे कि क्या वाकई जनता पुलिस से संतुष्ट है, यहां तक कि पीड़ित परिवार भी। मन में संशय चल ही रहा था और हम पूजा के परिवार से घटना की जानकारी ले ही रहे थे कि देखा वही सीआई अजय सिंह आते हुए दिखाई दिए। पीड़ित परिवार से जरूरी बात करने के बाद हमने सीआई अजय सिंह से घटना की पुख्ता जानकारी और उनकी भूमिका के बारे में जानना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस घटना के बारे में बात एसपी विकास शर्मा ही करेंगे। साथ ही माइक हटाने पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि हमें तो फर्ज निभाना ही था, इस जगह मेरी बच्ची होती तो मैं क्या करता। आगे वो बोल ही नहीं पाए। लेकिन ये मामला ऐसा है कि इसमें पुलिस से शिकायत आपकी मतलब इतना अच्छा बहुत जो है ठीक है हम कर रहे हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं इसमें इनको ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनका गला जो भर गया था, उनकी भावनाएं उनकी आंखों में बहते आंसू साफ बयां कर गए। यानी कि गांव वालों की वो बात सच निकली जो उन्होंने पहले ही कह दी थी कर सीआई अजय सिंह रो पड़े थे। सोचिए वो मंजर कितना दर्दनाक रहा होगा। एक अधिकारी वो भी पुलिस अधिकारी का इस तरह भावुक होने के किस्से आम नहीं होते। हाँ, ऐसे पुलिस कर्मियों की दबंगई और कठोरता के किस्से आपको भर भर के मिल जाएंगे, लेकिन इस अधिकारी के अंदर का पिता, अंदर का इंसान और उसकी इंसानियत, शायद उसकी आंखों से छलकते आंसू सारी बात कह गए। संतुष्टि हुई कि जांच सही हाथों में है। गांव वालों की तरह सभी को यही उम्मीद है कि पूजा को न्याय जल्दी ही मिलेगा और उसका हत्यारा और उसके इस पाप में भागीदार माता पिता को भी कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी।